हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोग न्यू टॉपिक्स और न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंसीडर करते हैं कि यार बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो सर बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि यार कहीं कुछ गलती ना हो जाए और अटेंशन के साथ पढ़ते हैं। जनरली मेरे बच्चों से देखा है कि जब भी इसका क्लास चलती है, हम लोग जब इसको स्टार्ट करते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है। आपको मस्त रहना है जैसे आप रहते हो और आराम से इसको स्टडी करना है। ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बायोटेक स्टार्ट हो गई तो हम लोग को स्पेशली कोई ऐसा है कि ज़्यादा हमको अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे हमने 11th और 12th के पोर्शन लिए हैं, वैसे हम बायोटेक को लेंगे और बड़ी ईजी गोइंग में जब ये चैप्टर फिनिश होंगे तो आप आराम से इसको कम्प्लीट कर लेंगे। रिविज़न भी कम से कम करना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि बायोटेक आपके दिमाग में चली जाएगी बड़ी आसानी से, क्योंकि रट्टा मारने वाला पोर्शन नहीं है, थोड़ा बहुत भी रट्टा इसमें नहीं है, इजी गोइंग में याद हो जाएगा। हाँ, चैप्टर में क्या है, बड़ी स्लोली स्लोली हमें इसको रन कराना होगा और कुछ स्पेशल जो चीज़ें आती हैं वह थोड़ा रुकना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, बातचीत थोड़ी ज़्यादा होगी आपकी और मेरी। मैं आप तो ध्यान रखेंगे इसे, जो मेरे सामने हैं वो तो ही सही और जो मेरे कैमरे के थ्रू मुझे देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा बातचीत का दौर चलेगा इसमें, क्योंकि चैप्टर ऐसा है जहाँ हमारा एक दूसरे से इंट्रेक्शन होना ज़रूरी है और इस इंट्रेक्शन से ही होगा आपको इस चैप्टर को समझ में आएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी लिखते हैं ताकि हम लोगों को चैप्टर मालूम रहे कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसकी हम लोगों को क्या करना है, इसके प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज करनी है हम लोगों को। प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज को हमको डिस्कस करना है, या जो इसकी प्रोसेसिंग है उसको हमको डिस्कस करना है। तो बच्चों, आप लोगों को सबको ये बात समझ में आना चाहिए कि बायोटेक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हम लोग चाहते क्या हैं। हम चाहते ये हैं कि एक बच्चे को ये मालूम पड़ जाए, ये समझ में आ जाए कि यार बायोटेक्स के क्या प्रिंसिपल हैं और क्या प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो प्रोसेस किस पर बेस्ड होगा, किसी प्रिंसिपल पर तो बेस्ड होगा, तो उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। और इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं पूरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट में ले रहा हूँ, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है और उसमें आपको बहुत कुछ सीखना है। आज की क्लास से आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कोई मूवी होती है ना, तो मूवी अगर रिलीज होने वाली तो उससे पहले क्या आउट होता है, ट्रेलर आउट होता है। और ट्रेलर आउट करने के भी तरीके अलग अलग हैं। जब हम पुराने टाइम पर कोई मूवी देखते थे तो उस टाइम पर क्या होता था, फिल्म के कई हिस्से दिखाए जाते थे। फिर टाइम चेंज हुआ, मूवीज़ के जो सॉन्ग थे वो दिखा दिए जाया करते थे। फिर वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मूवी के डायलॉग जो अगर फिल्म धांसू है तो फिल्म के डायलॉग दिखाए जाते हैं और सॉन्ग से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार सॉन्ग रिलीज किए जाते हैं, आजकल तो पैटर्न चेंज हो गया, हीरो हीरोइन हर सिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ हाई हेलो चल रहा है, लोग मिल रहे हैं, तो प्रमोशन के तरीके अलग अलग हैं। हमारा जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की डिमांड भी ऐसी ही है कि इस चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पहले आज ट्रेलर देखेंगे और ट्रेलर से हमें मूवी के बारे में काफ़ी कुछ मालूम पड़ जाएगा, मतलब हमें बायोटेक के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। तो एक सिंपल सा हम लोग बात समझते हैं कि अगर हमसे पूछा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ध्यान रखना कंसेप्ट ही होना जरूरी है, लाइन टू लाइन स्टडी करने की कोई जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एनसीईआरटी की लाइन आएंगी, उन लाइन्स को हम यही कवर कर लेंगे, है ना, वो तो मैं सारी कवर कराते ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी कंसेप्टिव ज़्यादा है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। जितना आप जो कंसेप्ट पकड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब सबसे पहली बात देखिए, आप यहाँ बात की गई है बायोस की, तो बायोस की बात की गई है तो एक बात तो कन्फर्म है मेरे बच्चों, वो क्या कि आप सब ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे, ऑर्गेनिज्म को लेकर चलेंगे, ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाएगी। ओके, फिर एक वर्ड लगता है टेक्नोलॉजी, इट मींस यहां आप टेक्निक्स का यूज करेंगे और टेक्निक्स का यूज फॉरवर्ड किसके लिए करेंगे,
आप किसी ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट का यूज करेंगे, ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स यूज फॉर या यूज्ड फॉर बेनिफिशियल प्रोडक्शन। यानी बायोटेक्नोलॉजी का मींस अगर अपनी लैंग्वेज में देखें, अपन अपनी आम बोलचाल की भाषा में क्या है रे भैया बायोटेक, तो ये है रे भैया बायोटेक कि ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट का यूज हम काय में करते हैं, बेनिफिशियल प्रोडक्शन में करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट से अल्कोहल प्रोडक्शन कर लिया या कोई मेडिसिन का प्रोडक्शन कर लिया या मैंने किसी डिजीज का जेनेटिकल मेकअप तैयार कर लिया, तो ये भी क्या हो जाता है, मैंने मान लीजिए कोई ऐसा जीन तैयार कर लिया जिससे हमको रेजिस्टेंस मिल जाए, डिजीज रेजिस्टेंस मिल जाए या अदर कोई प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। या सपोज कीजिए हमने किसी ऐसी तैयारी कर लिया कि जेनेटिकल जो चेंजेस कर लिए, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी में काउंट होगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग बायोटेक का यूज करेंगे तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अल्कोहल का प्रोडक्शन, मेडिसिन का प्रोडक्शन, जीन डिफरेंट टाइप के तैयार करेंगे, जेनेटिकल चेंजेस करेंगे, तो ये सब इंक्लूड होगा इसमें। ओके, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार हमको करना क्या है। हमको ये करना है साहब कि जितने भी जीन्स वगैरह होते हैं वो तैयार करेंगे हम, कई मेडिसिन को तैयार करेंगे इसके थ्रू, हम अल्कोहल वगैरह का प्रोडक्शन करेंगे, तो इस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज ह्यूमन प्रोडक्शन के लिए, उसके बेनिफिट के लिए करते हैं। अब जनरली क्या होता है, अगर एनसीईआरटी की एक लाइन को चेक करा जाए तो वहां एक वर्ड लिखा गया है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेम सुनिएगा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये फेडरेशन जो होती है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने क्या किया, इसका शॉर्ट नेम होता है ई एफ बी। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बायोटेक की डेफिनेशन दी, उसको भी हमको डिस्कस करना जरूरी है कि इनकी लैंग्वेज में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको भी आप देख एक बार डिस्कस कर लें। द इंटीग्रेशन ऑफ, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स, या तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका, नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर उनके साथ आप लोग क्या कर रहे हो, उनके पार्ट्स को ले रहे हो, एंड या एंड कोमा पार्ट्स एंड मोलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर, मोलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर, मोलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन है और उस लाइन को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो हम लोग यहां क्या बोलना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी की जो यूरोपियन, हम लोग यहां जो एनसीईआरटी ने लाइन दी है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलना चाहती है, ये बोलना चाहती है ईएफबी कि आप नेचुरल साइंस के साथ चलिए और इंटीग्रेशन कीजिए ऑर्गेनिज्म का, उसकी सेल्स का, पार्ट का या मोलिकुलर एनालॉग का, जिससे क्या हो जाए आप ह्यूमन प्रोडक्शन कर सकें, सर्विस कर सकें, ह्यूमन सर्विस कर सकें, ह्यूमन प्रोडक्शन कर सकें, तो इसकी जो रिलेटेड साइंस होगी वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स एंड मोलिकुलर एनालॉग्स
फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का जनरली यूज करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी का जब जनरली यूज करते हैं हम लोग, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग दो मेन काम करते हैं। अगर मैं आपको लेकर चलता हूं कि भाई अगर इस टॉपिक के अंदर हमसे यह पूछा जाता है, सपोज कीजिए जो हमारा चैप्टर में हमारे हेडिंग भी है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि देखो इनको डिस्कस करना जरूरी है। मैं अगर आपको अदर अदर बातें करता हूं और मेन प्रिंसिपल पे नहीं आता हूं तो मेन चीज ये आ जाती है कि बच्चों को डिफिकल्टीज आती है। आप देखिए एक टारगेट आपके सामने है, वो टारगेट क्या है कि आप चाहते हो कि कोई प्लांट्स या एनिमल में सुधार आए, इंप्रूवमेंट आए, और आपका पूरा पर्पस किस पर बेस्ड है? जेनेटिकल। मान लीजिए किसी प्लांट में बैड करेक्टर है, आप उनको रिमूव करना चाहते हो और अच्छे करेक्टर लाना चाहते हो, ओके? आप किसी काउ में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो या किसी बफेलो में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, आप किसी प्लांट में मेडिसिन जो उसकी है वो मेडिसिन का कंटेंट्स बढ़ाना चाहते हो, एल्किलोइड्स बढ़ाना चाहते हो, ये आपका टारगेट है। तो इन टारगेट को अचीव करने के लिए आप बायोटेक का यूज करेंगे। और सबसे पहले आप इसमें दो मेन प्रिंसिपल बोलता है कि टू टाइप्स में आप प्रिंसिपल को बोल सकते हो। सबसे पहली जो स्टेप होगी वो होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे आप? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी आपको क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा, मान लीजिए आपको कोई टारगेट सेल मिली जिसके जीन को आप ट्रांसफर करना चाहते हो, या जो टारगेट सेल है उस टारगेट सेल से आप क्या करना चाहते हो कि उसका डीएनए में मैनिपुलेशन करना चाहते हो, या उस डीएनए को बाहर निकालना चाहते हो, या ये सेल्स क्या है, ऐसी सेल है जिसमें क्या है बेटर करेक्टर है, अच्छा फ्रूट देती है, या डिजीज रेजिस्टेंस इसके अंदर है, कोई डिजीज का रेजिस्टेंस है, या ये टॉलरेंट स्पीशीज है। तो जो भी स्पीशीज है, जो भी इसका अच्छा करेक्टर है, हम कह सकते हैं कि गुड करेक्टर इस सेल में है, या गुड करेक्टर वाला ये प्लांट या एनिमल सेल है, तो आप क्या चाहेंगे कि आप उसके डीएनए को क्या कर लें, एक्सक्रेटेड कर लें या रिमूव कर लें, ठीक है, और जेनेटिकल मैनिपुलेशन करा लें। जेनेटिकल मैनिपुलेशन यहां जरूर होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जिस जीन को आप डीएनए को निकालोगे उसका जेनेटिक मैनिपुलेशन जरूर होगा, कांट छांट जिसको अपनी लैंग्वेज में बोले। अगर नॉर्मली भी मैं आपसे पूछूं कि एक इंजीनियर करता क्या है, एक इंजीनियर करता क्या है, तो आपका जवाब बोलोगे सर बायोलॉजी वालों को क्या मतलब इंजीनियर क्या करता है। अरे फिर भी अगर आपसे पूछते हैं सिंपल सा, एक इंजीनियर का वर्क होता क्या है? कांट छांट, मैनिपुलेशन। एक मोटर सही वर्क नहीं कर रही है, उस मोटर को ठीक कर दिया, सही वर्क करने लगी, हमारी बाइक बीच में रुक जाती है, हम तो देखते रहते हैं, वो बाइक को ठीक कर देता है, ये मैनिपुलेशन। एक देख रहे हैं आपको, हमको इस एरिया से उस एरिया में जाना है, हमें समझ में नहीं आ रहा, उसने बीच में कोई पुल बना दिया डिजाइन करके, वो उसका काम हो गया, इसे आर्किटेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग। हमको मान लीजिए कोई सिंपल सी चीज़ है जिसको हम लोगों को अपना वर्क रिड्यूस करना है, हम चाहते हैं कि इसमें हमारी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाए, और उसने मैनिपुलेशन करके ऐसा काम कर दिया, तो ये काम हो गया इंजीनियर का। इंजीनियर के लिए मेन चीज होती है एक वर्ड, मैनिपुलेशन। बहुत जल्दी मैनिपुलेट करता है, कांट छाट करता है, और एक चीज को क्या कर देता है, हमारा वर्क रिड्यूस कर देता है, ऐसी एक डिवाइस बना देता है या ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बना देता है। ओवरऑल आप यहां जेनेटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हो, किस में कर रहे हो? उस टारगेट सेल में कर रहे हो जिसमें करेक्टर बेड है तो गुड बनाना चाहते हो, या उसमें करेक्टर अच्छे हैं गुड हैं तो उसके जीन को या डीएनए को निकालना चाहते हो। क्यों भाई? क्योंकि इस जीन से या इस डीएनए से आप बहुत सारी कॉपीज बनाओगे, और इन कॉपीज से आप
बहुत सारा प्रोडक्शन करोगे जिस जो भी जीन का फंक्शन है उसका। तो पहली जो स्टेप होती है उस स्टेप में क्या करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर मैनिपुलेट जीनोम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जो पहला इसका प्रिंसिपल इस पर बेस्ड होता है, यहां सबसे पहला काम होता है जेनेटिक मैनिपुलेशन, ठीक है। ये जेनेटिक मैनिपुलेशन से क्या होता है कि करैक्टर जो होते हैं वो इंप्रूव होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अपन को जो टारगेट जो जीन जीनोम होता है, डिजायर्ड जीनोम होता है वो मिल जाता है, डिजायर्ड जीनोम हमको मिल जाता है जिसमें गुड करैक्टर वाला जीन है उसको हम लोगों को मिल जाता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाता है। दूसरी जो स्टेप प्रिंसिपल पे आती है वो आती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग आती है और केमिकल इंजीनियरिंग का जो मींस हम लोग निकालना चाहते हैं, हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशंस, हम ये भी कह सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन, ये भी हमारा टारगेट है बच्चों। तो स्टराइल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आप करेंगे क्या, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो आपको जो जीनोम मिला है, सपोज कीजिए ये जीनोम मिला है और ये जीनोम गुड करैक्टर वाला है, इस जीनोम से आप क्या करेंगे, मेडिसिन बना लेंगे अगर ये मेडिसिन से रिलेटेड है तो। कल का हमारा फ्यूचर क्या होगा, मान लीजिए मेरे अंदर गुड करैक्टर है बहुत सारे लेकिन एक करैक्टर गुड नहीं है, वो क्या, मान लीजिए कि मेरी बॉडी कलर जो स्किन कलर जो है वो डार्क है, मैं चाहता हूं उसको भी गोरा हो जाऊं, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है साहब। मेरा बच्चा कल मैं डिजाइन करना चाहता हूं कि भैया ऐसे हेयर कलर होगा, ऐसी आईज होंगी, ऐसा उसकी बॉडी का शेप होगा, इतना वो लंबा बनेगा, कल बच्चा जब पैदा होगा उससे पहले ही उसको डिसाइड कर लिया जाएगा और ऐसे बच्चा तो सही सब अच्छे हो जाएगा, बिल्कुल। आज ये टेक्निक किस में यूज कर रहे हैं, प्लांट्स में, आने वाला फ्यूचर किसका है, हमारा, और हम एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में भी यूज करना चालू करेंगे। आज हो रहा है प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाना है, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाना है, नंबर्स बढ़ाना है, मेडिसिनल पर्पस आजकल है, कल ये पर्पस होगा डिजाइन ह्यूमन बींग्स होंगे, ऐसे ह्यूमन बींग अवेलेबल होंगे जिनको डिजाइन किया जाएगा, दैट्स ऑल। और हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट जनरेशन आए और बेस्ट जनरेशन लाने के लिए ही करेंगे। आप समझते भी है ना कि दो बेहतर लोग अगर मैरिज करेंगे तो उनकी जो बच्चे होंगे वो बेहतर होंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, ऐसा होगा। लेकिन कल डिजाइन किया जाएगा कि भैया स्पर्म में ये जीन है गुड वाले, बेस्ट जो बेड वाले उनको हटाइए, ओवम में ये जीन है गुड वाले, बेड वाले हटाइए, बच्चों में ये जीन चाहते हो, ठीक है, डिजाइन होगा वही जीन आएंगे। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो सपना है या फ्यूचर है हम कह सकते हैं और अचीव होगा, निश्चित अचीव होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी जीन के थ्रू या जीनोम के थ्रू मेडिसिन बना रहे हैं, सपोज कीजिए किसी जीनोम के थ्रू हम मेडिसिन बना रहे हैं या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, एंटीबायोटिक का, या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, सपोज कीजिए, ठीक है, और ये सब, या हम लोग कोई अदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, हालांकि इसको यूज करने के लिए हमें फर्मेंटर जरूरत पड़ती है, फर्मेंटर, तो फर्मेंटर का यूज करते हुए हम इनको बना लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने जो जेनेटिक मैनिपुलेशन किया उससे प्रोडक्शन किया, और ये प्रोडक्शन किस में काउंट हो रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन। हम कल्चर मीडियम को रखते हुए स्टराइल कंडीशन मेंटेन करेंगे और स्टराइल कंडीशन मेंटेन करते हुए हम जो चाहते हैं वो बना लेंगे, ओके, जो चाहते हैं वो बना लेंगे, ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और केमिकल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाएगी।